अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि टाइटल से शो हो रहा, आज की वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अप्लीकेशन का या उसके इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है और हमारे किस तरह काम आती है। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली जो अप्लीकेशन है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? ठीक है, तो इसके अंदर अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कुछ बोलते हैं तो कंप्यूटर फ़ौरन उसको डिटेक्ट कर लेता है। वो कैसे होता है? वो होता है NLP से। ठीक है, तो उसमें इस तरह करते हैं कि हम कोई भी बात करते हैं कंप्यूटर से सुनता है, ठीक है, या रीड करता है, ठीक है, और उसको फिर वो इस तरह करता है कि अपनी जो लैंग्वेज है उसके अंदर उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है, और ह्यूमन लैंग्वेज से उसे करता है, आपस में मैच करता है, और जो वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, उनको आपस में कोरिलेट करता है, ठीक है, और इस तरीके से वो इस तरह कर लेता है कि वो अपनी हमारी फ्रेजेस को समझता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो इस तरह कर लेते हैं कि हम सर्च इंजन में जाकर, अमूमन आप गूगल असिस्टेंट वगैरह यूज़ करते होंगे, तो उसमें इस तरह करते हैं कि हम अपने मुँह से बोलते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह कर लेता है कि हमारी चीज़ों को समझ लेता है। इस तरीके से आप देखते होंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट की बहुत सारी ऐप्स हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन की बहुत सारी ऐप्स हैं। इसके साथ साथ आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कभी ग्रामर का फीचर यूज़ किया होगा कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर इस तरह करता है कि वो आपको उसके दे देता है, यानी आपको उसके सजेशन देता है, ठीक है। अगर आपने कोई लफ्ज़ लिखा उसकी प्रोनाउंसिएशन कहते हैं तो वो आपको कंप्यूटर प्रोनाउंस करके भी दे देता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है जो कि अमूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सबसे ज़्यादा रिलेट की जाती है, वो है रोबोटिक्स। जैसे कि आप एक रोबोट देख सकते हैं, तो ये अमूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के अंदर भी डाली जाती है, ठीक है। तो इसकी मदद से क्या करते हैं? इसकी मदद से हमारे जो रोबोट्स यानी जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल रोबोट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर हम एक एबिलिटी डालते हैं या सलाहियत डालते हैं जिनकी मदद से वो कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री में बहुत सारे रोबोट्स हैं, ठीक है, जिनको हम इंडस्ट्रियल रोबोट्स कहते हैं, जो कि स्पेसिफिक किस्म के टास्क यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो AI की मदद से ये सारे टास्क सर अंजाम दे रहे होते हैं, ठीक है। और हमारा एक नया कोर्स अर्डिनो के नाम पे, अर्डिनो का स्टार्ट हो रहा है, रेस्पबेरी पाई का स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह फ्यूचर में, तो उनके अंदर मैं आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़रा क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और उसके बाद होता क्या है, चूँकि ये इंडस्ट्रियल और इस तरह की चीज़ों में ये रोबोट्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो उनके अंदर हम रियल टाइम रिस्पांस देना होता है, ठीक है। तो रियल टाइम रिस्पांस कैसे होता है? रियल टाइम रिस्पांस किस तरीके से दिया जा सकता है? तो हमारे जो रोबोट्स होते हैं वो सेंस करते हैं अपने माहौल को, किस तरीके से? वो सेंसर्स की मदद से सेंस करते हैं, ठीक है। तो सेंसर तो चलो उन्हें सेंस कर लेते हैं, तो उसके बाद असल काम आ जाता है उनका रिएक्शन देने के लिए। तो रिएक्शन कैसे होता है? तो वो सेंसर के साथ लगे होते हैं एक्चुएटर, ठीक है, जो कि डिसाइड करते हैं कि क्या रिएक्शन देना है। तो एक्चुएटर्स उसको यूज़ करके वो रिएक्शन देते हैं, ठीक है, और इनका जो रिस्पांस होता है, ठीक है, वो रियल टाइम होता है, ठीक है। और इसके अलावा अमूमन जो हमने सेंसर देखे हैं वो हीट और टेम्परेचर वगैरह के आप लोग देखते रहते होंगे, ठीक है। उसके अलावा चूँकि रोबोटिक्स में AI डाली जाती है, तो उन्हें अब इतनी खास सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ये अपने नए एनवायरनमेंट के साथ खुद ब खुद कर लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। तो एक्सपर्ट सिस्टम अमूमन आपने देखे होंगे, टेस्ला में देखे होंगे, जहाज़ों के अंदर ऑटो पायलट मोड देखे होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह कर लेते हैं कि ये सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थिंकिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से ये इस तरह कर लेते हैं, किसी को गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं या डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और इनके अंदर एक ये अमूमन यूज़ करते हैं डेटाबेस यूज़ करते हैं, मतलब फिनांस की, मार्केटिंग की, या ठीक है, और इसकी मदद से एडवाइस देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने अमूमन देखा होगा कि आपको मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम या कुछ इस तरीके से सिस्टम होते हैं, तो वो एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं। इसी तरीके से कार्स, अगर आपने कोई इशूज़ कर रही होती हैं, तो आजकल एक्सपर्ट सिस्टम बड़े फिट आ रहे हैं, जो कार्स को भी बता देते हैं, इसके अलावा बाकी भी डायग्नोसिस बता देते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने कोविड के दरमियान अपनी वेबसाइट्स देखी होंगी गवर्नमेंट एजेंसीज की, तो जो या वर्ल्ड WHO की, तो जिनके अंदर वो उन्होंने कुछ एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ किए हैं, जो आपसे कुछ चीज़ें डिटेल वगैरह लेकर आपको बताते हैं कि आपको कोविड है या नहीं, या कुछ इस तरीके से सजेशन वगैरह। और इसके बाद आपने टेली हॉस्पिटल और इस तरीके से चीज़ें देखी होंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको गाइड करती हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी जनाब ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इसमें आपने देखा होगा, जैसे कि पिछले दिनों टेस्ला ने
सेल्फ ड्राइविंग कार्स यूज़ की थी, ठीक है, और ऑटोनॉमियस टाइप व्हीकल्स थी जो कि खुद ब खुद अपना रास्ता जानती हैं, जैसे कि आप लोग एक कार देख रहे हैं जो कि खुद ब खुद अपना रास्ता बना रही है। तो ये सॉरी मेरी स्लाइड थोड़ी सी आगे चली गई। तो ये आप एक कार देखें खुद ब खुद अपना रोड सेंस कर रही है और आगे जा रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। इसी तरीके से अपने गाड़ियों के अंदर ऑटो पायलट मोड अगर बंदा सो जाता है तो ऑटो पायलट मोड, इसी तरह एरोप्लेन्स में होता है, आपने अमूमन मूवीज़ देखे होंगे जिनके अंदर जहाज़ का कंट्रोल्स खुद ब खुद कंप्यूटर संभाल लेता है, तो ये सारा किसकी मदद से है? ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। उसके बाद गेमिंग जो सबसे हम स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट होता, तो ये हम कैसे करते हैं? तो ये सारा कुछ गेमिंग इंडस्ट्री जो सारी चल रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते होंगे, आगे से बॉर्ड आते होंगे, ठीक है, और इसकी मदद से वो बॉर्ड हमारे साथ डिज़ाइन इस तरीके से किए जाते हैं कि वो हमारे साथ कम्पीट करते हैं और बड़ा अच्छा कम्पीट करते हैं, डिफिकल्टी के हिसाब से बड़ा अच्छा हमें मारते चाहते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से गेमें खेली जाती हैं और इसमें बड़ी अच्छी प्रिडिक्टेबिलिटी है। मैंने तो 2003 2002 की गेमें खेलता था, तो वो भी इतनी ज़बरदस्त थी, एज ऑफ एम्पायर नई नई आई थी वो इतनी टफ गेम होती थी, उसके बाद डेल्टा फोर्स थी, उसके बाद IGI थी, उसके बाद कमांड एंड कंकर और बहुत सारी, ठीक है। तो ये गेमें काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करती थी, इसके अंदर जो रोबोट्स होते थे वो बड़ा अच्छा मारते थे, ठीक है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पॉसिबल हुआ। उसके बाद जो चीज़ है वो है स्पीच रिकग्निशन, ठीक है। तो अमूमन हम इस तरह कर लेते हैं, कोई स्पीच करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर या कोई चीज़ होती है, ठीक है, तो वो उसको फ़ौरन इस तरह कर लेता है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, अगर हम कोई टेक्स्ट देते हैं तो वो स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो डेली लाइफ में जिस तरीके से मैं बातें कर रहा हूँ इस तरीके से कुछ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी बातें सुनते हैं, ठीक है, और ये सिस्टम सुनते हैं और उसके बाद उस पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और उनको समझ कर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ तो आपने गूगल असिस्टेंट यूज़ किया होगा, ठीक है, तो वो उसमें आपने देखा होगा कि कोई लफ्ज़ आप बोलते हैं तो वो उसी तरीके से एक्शन करता है, आप कहते हैं प्ले सॉन्ग या ओपन यूट्यूब या कोई कॉल XYZ या इस तरीके से, तो ये सीरी गूगल असिस्टेंट एलेक्सा वगैरह में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो अमूमन हमारे जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं वो भी स्पीच रिकग्निशन पर काम करते हैं और इसमें डीप लर्निंग यूज़ होती है, जो कि फ्यूचर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उसके बाद एक एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कि है कंप्यूटर विजन की, ठीक है। तो इसके अंदर सिस्टम हमारा इमेजेस और वीडियोज़ वगैरह को डील करता है और उनके अंदर करता क्या है, ठीक है। तो ये इस तरह कर लेता है कि ये सिस्टम के अंदर इमेजेस और वीडियोज़ को देखता है, ठीक है, और उन यानी और अगर हम गूगल सर्च पे अपनी कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो वो इस तरह करता है तो हमारी पिक्चर्स को लेता है, ठीक है, हम उसको पिक्चर गूगल सर्च को प्रोवाइड करते हैं तो ये इस तरह करता है, हमारी पिक्चर्स को लेता है और वेब पर सर्च करता है। इस तरीके से ये इस तरह करता है डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करता है, उनको ऑब्जेक्ट्स को इमेज में या वीडियोज़ में प्रोसेस करता है, जिसे हम अमूमन फेशियल रिकग्निशन सिस्टम यूज़ करते हैं। तो ये इसमें इस तरह करता है कि ये फेसों को डिटेक्ट करता है, जैसे ये आपने देखा है हैंड बैग को इसने डिटेक्ट कर लिया है, वाइन ग्लास चेयर वगैरह वेज लैपटॉप या इन चीज़ों को वो कर लेता है। तो अमूमन आपने देखा होगा कि आजकल ई टैग की मशीनें लगी हुई हैं या RFID मशीनें लगी हैं जो कि नंबर प्लेटों को पढ़ रही हैं या सारा कुछ कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारे कंप्यूटर विजन या फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, ठीक है, तो इनकी मदद से काम करते हैं, ठीक है। ये अमूमन हमारे विजुअली डेटा यूज़ करते हैं, ये बड़े पॉपुलर हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि गूगल इमेजेस में इमेजेस को आप सर्च करते हैं तो वो हमारा AI सारा कुछ AI की मदद से मरूने मिल जाता है, ठीक है। और इसके बाद है हमारा जी हेल्थ केयर, ठीक है। तो अमूमन आपने देखा होगा कि अमूमन प्रोएक्टिव डिसीज प्रिडिक्शन सिस्टम होते हैं, यानी स्ट्रोक डिटेक्शन मॉडल होते हैं। इसके अलावा हमारे ऑटोमेटिक मेडिकेशन सप्लाई मैनेजमेंट के अमूमन टूल वगैरह आपने देखे होंगे मूवीज़ वगैरह के अंदर, तो या अगर आपको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस हो तो ये रियल टाइम टूल्स होते हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे होते हैं। इसके बाद है फाइनेंस, अमूमन आपने मार्केट में इंडिकेटर वगैरह, अगर आपने स्टॉक मार्केट देखी हो क्योंकि तो इसके अंदर इंडिकेटर वगैरह या कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो ये किसकी मदद से पॉसिबल हुआ है? ये सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पॉसिबल हुआ है। उसके बाद है अमूमन एक एग्रीकल्चर डोमेन है जो कि पाकिस्तान में बहुत कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम हो रहा है, लेकिन मैंने पिछले दिनों देखा है कि पंजाब IT बोर्ड इस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसकी मदद से अपनी क्रॉप्स को डिटेक्ट किया जाता है और उसके साथ साथ उनमें अगर कोई डिफेक्ट्स या उनको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उसको किया जाता है। तो ये चीज़ें आपने देखी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अप्लीकेशन है, ठीक है। तो अलोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि आपको उस अगर फील्ड का भी थोड़ा बहुत आता है तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होते हैं।
तो ये चीज़ जब मैं वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों सीखनी चाहिए तो उसके दरमियान कर रहा था, तो शायद आप लोगों को ये इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो रहा है, लेकिन आज की वीडियो से आप सबको पता चला होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन कौन सी फील्ड्स में यूज़ हो रही है। ये वीडियो मैंने जल्दी में बनाई है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी बाकी टॉपिक्स भी कवर करूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।